अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल जेटपैक बॉयज। मैं हूं रेहान तनवीर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, हम मतलब मैं और उसामा सिद्दीकी आपके लिए लेके आए हैं 5 things विच यू शुड चेक बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इन पाकिस्तान। और उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम अपनी लिस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू चेक द इंजन एंड द सेंसर्स ऑफ द कार। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो किस्म की अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मॉडर्न गाड़ियों में, एक तो हाइब्रिड हो गई है और एक कन्वेंशनल इंजन जो है नॉर्मल। हाइब्रिड इंजन के अंदर सेंसर थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, तो आपको बड़ा थॉरली चेक करना पड़ता है कि इधर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। और इसको चेक करने के तरीके क्या हैं वो हम आपको बताएंगे फर्दर। और अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इंजन की कंडीशन को और इंजन की हेल्थ को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए पहले गाड़ी स्टार्ट कर लें। सुनाओ, द कार इज स्टार्टेड और मैंने क्रैंक करा है, लेकिन ये एज ए हाइब्रिड गाड़ी है तो ये बैटरी पे स्टार्ट हुई। तो अब हमें इंजन चेक करना है। लोग कहते हैं यार बैटरी से इंजन पे लेके कैसे आना है, उसको थ्रॉटल देते हैं तो वो थ्रॉटल लेती नहीं है गाड़ी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आपने देना है एक्सीलेटर फुल 100% वाइड ओपन थ्रॉटल इसको देना। जब आप वाइड ओपन थ्रॉटल देंगे तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और पावर मोड पे चलेगा। आपने यहाँ से इस गाड़ी को जो है वो इको मोड से ख़त्म करना है, ईवी मोड आपने ख़त्म करना है यहाँ से। उसके बाद आपने करना ये है कि गाड़ी को यहाँ से पार्किंग पे से हटाएंगे और इसको आप डी पे डाल देंगे। वंस ये डी पे आ जाएगी गाड़ी और आपने फुट ब्रेक अप्लाई करना है, हैंड ब्रेक जिसे बोलते हैं वो ये रहा। और इसके अलावा आपने फुट ब्रेक भी इसको डायरेक्टली अप्लाई करके आपने एक्सीलेटर देना। जब आप एक्सीलेटर देंगे तो आप ये देखें इंजन का रोर दिखाएं, आप इंजन की आवाज़ सुनाएं बाहर जाके। तो इससे आपको इंजन अभी मैक्सिमम थ्रॉटल ले रहा है, जिससे आप इंजन के हेड की नॉइज़, जिससे आप इंजन की क्रैंक की आवाज़ और डिफरेंट जो गाड़ी के अंदर वेयर एंड टेयर से आवाज़ें बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से इंजन की हेल्थ इफेक्ट होती है और आपको हेल्थ पता चलती है, वो आप इसके फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लोगों को नहीं पता होता ये फीचर, ये हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर होता है। कि आपने करना क्या है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने इस गाड़ी को स्टार्ट करना है, ये अभी बैटरी पे है। आपने इस गाड़ी को पार्किंग मोड से लेके डी के मोड पे लाना है, हैंड ब्रेक आपने इसको ऊपर करना है 100%, फुट ब्रेक मैंने यहाँ से अप्लाई किया है और मैंने 100% थ्रॉटल इसका डाउन करा है, प्रेस करा है। तो गाड़ी का इंजन हैज स्टार्टेड वर्क। इससे आप इंजन की एक तो हेल्थ पता कर सकते हैं, आपको इंजन की आवाज़ नॉइस एक्स्ट्रा वेयर एंड टेयर जो होता है जिससे आवाज़ बढ़ जाती है इंजन में हेड में ब्लॉक के अंदर, तो वो आप इसको पता कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो गाड़ी का स्मोक होता है। आपने जब ये डी पे डाली और थ्रॉटल दे रहे हैं तो आप किसी भी बंदे को पीछे भेज के इसका स्मोक चेक कर सकते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। क्यों? इंजन जब अपनी हीट पे आया था, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आया था, तो जो इसके रिंग्स होते हैं, ऑयल रिंग्स जो होते हैं, वो अपनी अगर उसके अंदर वेयर एंड टेयर ज़्यादा हुआ था तो वो पीछे स्मोक देना शुरू कर देते हैं। तो हम हाइब्रिड गाड़ी के अंदर इंजन को टेस्ट करने के यही 2 तरीके, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं हम सेंसर्स के ऊपर। इंजन की हमने फिज़िकल कंडीशन का बता दिया तरीका आपको चेक करने का, अब आप आ जाएँ सेंसर्स के ऊपर। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंसर्स को आप ऐसे नहीं चेक करते अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ डायग्नोसिस टूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप गाड़ी इस तरह की कोई भी लें, देखें इतनी महंगी गाड़ी है, 2 मिलियन की गाड़ी है, 2 मिलियन की गाड़ी पर अगर आप 500,000 रुपये खर्च करके किसी अच्छे डायग्नोसिस टूल को लगवा के इसके एरर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ड्राइवर्स क्लब पर फ्री स्कैनिंग, फ्री डायग्नोसिस ऑफ द कार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को करवानी है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, लिंक हम आपको दे देंगे बिलो, ताकि आप उस पर मैप देख के आप हमारी शॉप पर आ सकें। चलते हैं अपने नंबर 2 पॉइंट पे, विच इज़ हाउ टू चेक इफ कार्स एनी पैनल इज रीपेंटेड। कोई भी गाड़ी का पैनल या पूरी गाड़ी रीपेंटेड है, ये हम कैसे चेक करेंगे? चलते हैं और हम आपको बताते हैं। वो है फ्रंट बम्पर और फ्रंट रेल से। सबसे पहले मैं जो फ्रंट फ्रेम है उसके ऊपर आ जाता हूँ। अगर फ्रेम कहीं से भी डैमेज होगा और रिपेयर्ड होगा, तो जैसे आप ये स्पॉट देख रहे हैं, ये स्पॉट है, सही है, ये स्पॉट्स है, अब ये डाई से बने हुए स्पॉट्स हैं, सही है। ये अगर डैमेज होता ना तो ये स्पॉट्स नहीं होते, सही है। या तो ये स्पॉट्स टेढ़े मेढ़े हो गए होते, अगर ये रीपेंटेड होता तो ये टेढ़े मेढ़े हो गए होते, या तो ये पॉलीगेट से यूजली पेंटर रीफ पूरा फिलअप कर देते हैं, सही है। तो यू हैव टू लुक फॉर द स्पॉट्स, क्योंकि ये डाई से बने हुए स्पॉट्स हैं, तो कोई भी बंदा, कोई भी नॉर्मल हमारा पाकिस्तानी डेंटर इतना अच्छा रेप्लीकेट नहीं कर सकता इन स्पॉट्स को। उसके अलावा ठीक है, तो बम्पर काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी बाकी बॉडी पैनल्स पे भी जैसे आप ये देख रहे हैं रबड़ के ऊपर पेंट आया हुआ है, सही है। इस तरह आप पकड़ सकते हैं आइदर वो बम्पर है या कोई पैनल है, कि वो पैनल रीपेंटेड है या नहीं है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के
ऊपर ये चीज़ देखनी है कि कहीं पे पेंट स्पिल तो नहीं हुआ हुआ, ये आप देख रहे हैं पेंट स्पिल हुआ हुआ है, ठीक है। दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके ज़रिए आप पकड़ सकते हैं आइदर गाड़ी का कोई चीज़ रीपेंटेड तो नहीं है। तो बताया रबर मोल्डिंग के बारे में, अब आपको पूरी गाड़ी की जितनी रबर मोल्डिंग्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से चेक करनी है। इफ़ आपकी गाड़ी का कोई भी पैनल पेंटेड है, फॉर एग्जांपल इस दरवाजे का कोई हिस्सा पेंटेड होता, सही है, तो ये दरवाज़ा पेंटेड है, तो आपको गौर से इसकी पूरी मोल्डिंग चेक करनी है कि कहीं पे इस मोल्डिंग के कोई ग्रे सा कलर या वाइट सा कलर तो नहीं लगा हुआ। ग्रे कलर है तो मतलब बस्तर का निशान छूट गया है, और वाइट है तो मतलब पेंट का निशान ही छूट गया है। इसका मतलब है वो पीस जेन्युइनली 110% पेंटेड है। इसी तरह हमारे लोकल शोरूम वाले भी गाड़ी चेक करते हैं। इसके अलावा पिन होल और रस्ट स्पॉट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी भी पैनल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देख लें, ये एक छोटा सा स्पॉट है, सही है, दिस मीन्स दिस पैनल इज़ रीपेंटेड। ये ऐसा कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी पे। या ये देखें, पिन होल का एक स्पॉट है, वाइट कलर है, शायद ये आपको दिख रहा हो, डॉट होंगे, छोटे छोटे डॉट्स होंगे, सही है, ये छोटे डॉट्स के निशान नहीं होने चाहिए, सही है। ये देखें, यहाँ पे भी कुछ पिन होल्स आए हुए हैं, सही है। ये जो डॉट के निशान है, ये होता क्या है, जब 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 पेंट जो हमारा है वो गीला होता है, जब हमारा पेंट अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो क्या होता है, जो डस्ट है वो गीले पेंट पे चिपक जाती है, और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेंटर जितना भी साफ़ कर ले, कहीं ना कहीं एक ना एक पिन होल या रस्ट का स्पॉट रह ही जाता है पेंट के ऊपर। ये देखने के लिए आपको पूरी बॉडी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई पैनल पे ऐसा अगर स्पॉट दिखता है, इसका मतलब है दैट पैनल इज़ रीपेंटेड। अब हम चलते हैं अपने नंबर 3 पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज़ सस्पेंशन चेकिंग, कि आपने सस्पेंशन कैसे चेक करना है गाड़ी का। अच्छा, सस्पेंशन चेक करने के वैसे तो दुनिया में बहुत तरीके हैं, लोगों के पास मशीन्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिस पर आप सस्पेंशन चेक कर सकें, तो हम लोगों को टेस्ट ड्राइव लेके ही चेक करना पड़ता है। सस्पेंशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको बता दूँ, एक तो एक्सल चेक है, आपका स्टेरिंग रैक चेक है, आपके शॉक एब्जॉर्बर्स और आपके बुशेस, चारों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सस्पेंशन के। इसको कैसे चेक करेंगे वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ, कि सबसे पहले अगर आपको गाड़ी के एक्सेस चेक करने, तो आपको 100% 360 डिग्री और 180 डिग्री पे स्टेयरिंग जितना भी मैक्सिमम आपका हो सकता है टर्न आपने करना है, और उसके बाद गाड़ी को एक्सेलरेट करना है। अगर आपके इनर और आउटर एक्सेल में कोई भी गोली कटी हुई होगी या आवाज़ होगी, तो वो फ़ौरन आपको एक आवाज़ फील हो जाएगी, जिसकी नॉइज़ होती है, एक बेसिक टक टक करके आवाज़ आती है, वो आपको बता देंगे कि आपकी एक्सेल की लाइफ क्या है। जैसे मैंने अभी किया, इसमें कोई आवाज़ नहीं आई इस साइड पर मुझे। अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे 100% व्हील अपने स्टेयरिंग व्हील को टर्न करके एक्सेलरेट कर दूँ। अब हमने लेफ्ट साइड पे 100% स्टेयरिंग व्हील अपना टर्न किया और हमने एक्सेलरेट किया गाड़ी को। गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं थी, टक टक कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा वियर्ड नॉइज़ हमें नहीं आवाज़ आई, तो इट मीन्स कि एक्सेल तो इसके 100% ओके हैं। अब हम इसके सस्पेंशन के अंदर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है शॉक एब्जॉर्बर्स। हम शॉक एब्जॉर्बर्स चेक करने के लिए इसको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे या इस तरह के हडल्स वगैरह हों, ताकि डिचेस वगैरह, ताकि गाड़ी अगर हम उसके अंदर जब लेके जाएंगे तो अगर कोई आवाज़ एक्स्ट्रा वियर्ड नॉइज़ अगर आएगी, तो इट मीन्स के शॉक्स में भी आवाज़ है, लेकिन इसके इस गाड़ी में अभी तक कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल ड्राइव है गाड़ी की, गाड़ी में किसी किस्म की इस तरह की नॉइज़ नहीं है। तो अपेरेंटली शॉक्स तो इसके बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और सही वर्किंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेयरिंग रैक। स्टेयरिंग रैक की जो आवाज़ है वो फील नहीं होगी आपको इधर स्टेयरिंग के अंदर, जब आप चला रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें कोई झटके लग रहे हैं, और इसके अंदर से आपको फीलिंग आएगी जब आप गाड़ी चलाएंगे और आपके स्टेयरिंग के ऊपर आपके हैंड्स होंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टेयरिंग के अंदर अगर टक टक की आवाज़ आ रही होगी तो आपको यहाँ पे फील होगी। अगर ये फील हो रही होगी तो इट मीन्स के स्टेयरिंग रैक में भी इसके काम है। तो हम लोगों ने सस्पेंशन में हर चीज़ कवर कर ली है। सस्पेंशन जो होता है वो सिर्फ उसी को ही समझ में आता है ज़्यादा, जो ज़्यादातर गाड़ियाँ ड्राइव करता है। बिल्कुल एक न्यू भी जो ड्राइविंग नए ही सीखे होगा तो उसको सस्पेंशन चेक नहीं कर पाएगा वो। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सस्पेंशन किस तरह चेक करते हैं।
आ जाते हैं अपने नंबर फोर्थ पॉइंट की तरफ। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारा नंबर फोर्थ पॉइंट है गाड़ी मेजर एक्सीडेंटेड तो नहीं है, गाड़ी का कोई पैनल तो बना हुआ नहीं है, ये किस तरह चेक करें हम। मेरे पास ये बहुत सारे सवाल आते हैं तो आज मैं आपको इन सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आते हैं हम दरवाज़ों की तरफ। जैसे कि मैंने आपको रबर मोल्डिंग के बारे में बताया था कि पेंट चेक करना है, उसी तरह आपने रबर मोल्डिंग हटा के मेजर एक्सीडेंट चेक करने के लिए इन मोल्डिंग्स को हटाना और आपने ये स्पॉट्स देखने हैं। इन स्पॉट्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कोई भी उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर ये पीस बना हुआ होगा, मेजर एक्सीडेंटेड होगी गाड़ी और ये पीस कोई बना हुआ है आपका, तो ये स्पॉट जो है, इन स्पॉट्स का जो डिस्टेंस है, ये आगे पीछे हो सकता है। सही है, अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा या कम ज़्यादा हो रहा है या कहीं पे एक आधा स्पॉट मिसिंग है, मतलब वो पीस आपका मेजर एक्सीडेंटेड था, वो रिपेयर्ड है आपका पीस। उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं डोर्स के ऊपर ये जो नट है इन पर वाइट कलर हुआ हुआ है। अब ये कंपनी से हुआ हुआ है, सही है। अगर ये नट खुले होंगे कभी, सही है, ऑब्वियसली इन केस ऑफ एक्सीडेंट दरवाज़ा आपको खोलना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए, तो इन नटों के ऊपर जब पानी लगेंगे तो ये कलर उतर जाएगा, सही है। ये एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं टू फाइंड आउट वेदर द कार वॉज एक्सीडेंटेड और रीपेंटेड। इन झड़पों को जो नॉर्मल जबान में लोग बोलते हैं, इन पे आएंगे तो ये जो स्टिकर लगे हुए हैं, अगर एक्सीडेंटेड होगा और ये रीपेंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये स्टिकर यूजली लोग हटा देते हैं। तो ये स्टिकर्स अपनी जगह पे मौजूद होना भी इस चीज़ का सबूत हो सकते हैं कि ये पीस एक्सीडेंटेड नहीं है या फिर रीपेंटेड नहीं है। उसके अलावा पूरी जो सिमेट्री है इस चीज़ की, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस का पूरा एक जगह पे बिल्कुल सीधा होना, ये भी इस चीज़ को बताता है कि ये पीस कभी भी मेजर एक्सीडेंटेड में इन्वॉल्व नहीं रहा और रिपेयर्ड नहीं है। अब हम आ जाते हैं ये, जैसे ये जो है ट्रंक है डिग्गी, अब डिग्गी के ऊपर और जो बोनट है उस पर ये पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल जबान में सबसे समझा रहा हूँ ताकि हमारे नॉर्मल जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ सकें। अब ये देखें, ये पट्टियाँ अगर लगाई भी होंगी तो आप ये वाली पट्टी देखें, ये कैसे इस पर खुरदुरापन आ रहा है और कितनी मोटी है, सही है। ये वाली पट्टी है मुझे जिस पर हल्का सा शक है, क्योंकि आप ये पट्टी देखें, इस पट्टी में बहुत कम खुरदुरापन आ रहा है और बहुत फ्लैट हुई हुई है पट्टी। और अगर इस पट्टी को हम देखते हुए आएंगे तो बीच में ये पट्टी में एक पूरा पीस ही मिसिंग है, सही है। तो हमारे जो डेंटर हजरात हैं, जो वो क्या करते हैं कि रिपेयर करने के बाद ये पट्टियाँ खुद से बना के लगा देते हैं, सही है। तो अगर कहीं पे ऐसे कोई चिप मिसिंग है या फिर वो पट्टी कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो बना के लगाई गई है। ये भी एक तरीका है मेजर एक्सीडेंटेड गाड़ी पकड़ने का, या फिर इवन एक्सीडेंटेड गाड़ी पकड़ने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से, जैसे HRFSL पर अक्सर कभी होता है, जो कराची के रहने वाले हजरात हैं उनको समझ में आई ये चीज़, अचानक से आगे वाले ने ब्रेक लगा दी, आपकी ब्रेक नहीं लगी, आप भी उसमें घुस गए और पीछे वाला भी आके घुस गया, क्या बोलते हैं, आप में, तो पीछे से डिग्गी नीचे से डैमेज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने उतना पीस रीपेंट करा लिया या उतना सा पैनल करा लिया। तो उस सूरत में अगर वो पट्टी डैमेज हुई होगी तो पट्टी बना के लगानी पड़ेगी। तो आप ये छोटा एक्सीडेंट भी इस तरह से पकड़ सकते हैं। फ्रंट फ्रेम की तरफ, आप फ्रंट फ्रेम कैसे चेक करें, इनको बोलते हैं स्टड टावर्स और क्या बोलते हैं शॉकर के टावर्स, और उर्दू ज़बान में इन्हें कुप्पे भी कहा जाता है। अगर मेजर एक्सीडेंटेड होगी आपकी गाड़ी तो ये रिपेयर्ड होंगे, तो इसमें जो सील्स हैं ये देखें, अब ये जो कंपनी की है ये अलग से ही पता चल जाता है, वेल्डिंग स्पॉट्स और जो सील्स होती हैं, सही है। उसी तरह जो मैंने आपको बताए थे स्पॉट्स, ये आपका मोल्डिंग के स्पॉट्स हैं, ये कोई भी बना नहीं सकता, सही है। अगर ये डैमेज होगा और ये रिपेयर होगा, कोई ना कोई ये जो स्पॉट है ये मिसिंग होगा कहीं ना कहीं, सही है। उस स्पॉट के ज़रिए आप पकड़ सकते हैं कि आपका फ्रेम डैमेज है, सही है। उसके अलावा अक्सर अगर हम ये जो फ्रंट फ्रेम है, अगर इसको रीपेंट किया जाएगा तो क्या होता है, नीचे की मोल्डिंग्स नहीं हटाई जाती, कुछ लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन मोल्डिंग्स के ऊपर पेंट के कोई क्या नाम है दाने आ जाते हैं, इन सिंपल वर्ड्स मतलब स्पिल हो जाता है पेंट थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी आप पकड़ सकते हैं कि आपका फ्रेम तो डैमेज नहीं है, सही है। फ्रेम रिपेयर्ड होगा तो वही जो इसके स्पॉट्स हैं उसके ज़रिए आप पकड़ सकते हैं। इसके जो नट हैं ये नट सारे पेंटेड हैं, सही है। ये वाला नट आप अगर गौर से देखेंगे, इस पर कहीं पर भी इसका पेंट ख़राब नहीं है। इस वाले नट को देखेंगे, इस वाले नट का पेंट ख़राब हो रहा है। तो ये डिफरेंस है चीज़ें पकड़ने का और समझने का कि वो पैनल कभी खुला तो नहीं है या रीपेंट तो नहीं हुआ। हमारा नंबर फोर पॉइंट विच वाज मेजर एक्सीडेंटेड या एक्सीडेंटेड गाड़ी को कैसे चेक किया जाए। अब हम चलते हैं अपने नंबर फाइव पॉइंट की तरफ और आपको बताते हैं हाउ टू चेक अ हाइब्रिड सिस्टम इन अ हाइब्रिड कार। सो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट,
दैट हाउ टू चेक द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ द कार. तो हाइब्रिड सिस्टम चेक करने का सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि टूल तो गैजेट्स तो हैं, लेकिन जिसके पास गैजेट नहीं है और जिसने जिसके पास कोई हैंडी टूल नहीं है उस वक्त और उसको गाड़ी ऑन द स्पॉट चेक करनी है तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, उसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो भी होगा 100% तो मैं नहीं कंफर्म करता कि आपको बिल्कुल 100% बैटरी की पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन 80% आपको करंट पोजीशन ऑफ द लाइफ ऑफ द बैटरी आपको पता लग जाएगी. आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गाड़ी पोस्ट स्टार्ट से स्टार्ट करनी है. स्टार्ट होने के बाद गाड़ी जिस मोड पर भी हो, इधर इंजन स्टार्ट हो या नहीं हो या ईवी मोड पे हो, आपने कुछ भी नहीं करना. आपने पार्किंग से लेके शिफ्टर को डी पे लेकर आना है. आपने यहाँ से हैंड ब्रेक अप्लाई करना है 100% और उसके बाद फुट ब्रेक अप्लाई करना है. ये सब करने के बाद आपने थ्रॉटल को अपने गाड़ी के इंजन के थ्रॉटल को 100% अप्लाई कर देना है. आप जब 100% अप्लाई करेंगे तो गाड़ी का इंजन 100% वर्किंग में आ जाएगा. जब 100% वर्किंग में होगा तो आपने इसको कम से कम भी 30-40 सेकेंड तक अप्लाई रखना है. उसके बाद आपने इसको ड्रॉप करना है, छोड़ दिया आपने, गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी 2 सेकंड के लिए. और आप ये देखें यहाँ पे इसके सेल्स भरना शुरू हो गए. फिर आपने इसको 2 सेकंड के बाद फिर से अप्लाई करना है थ्रॉटल को वापस से. अगेन जैसे मैंने आपको कहा था 30 सेकंड मैक्सिमम आपने इसको इस तरीके से 100% थ्रॉटल पे रखना है गाड़ी. 30 सेकंड के बाद आपने फिर से थ्रॉटल इसका रिलीज कर देना है, फिर गाड़ी ईवी मोड पे आ जाएगी और गाड़ी बंद हो जाएगी. 5 सेकंड के बाद आपने फिर इसको अगेन थ्रॉटल देना है 100%. अब आप ये देखें इसके सेल्स भरना शुरू हो गए, अभी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जा रही है बैटरी. 30 सेकंड आपने फिर अप्लाई करना है थ्रॉटल और 30 सेकंड के बाद आपने फिर इसको छोड़ देना है. 3 मिनट्स बाद आपने फिर इसको अप्लाई करना है, सेकंड्स बाद सॉरी 3-5 सेकंड मैक्सिमम होते हैं जिसपे आपको गाड़ी को ईवी मोड पर छोड़ना है. मैं अपना वही सिस्टम वापस से बार बार उसको अप्लाई कर रहा हूँ, थ्रॉटल को 100% फिर उसको रिलीज कर रहा हूँ 5 सेकंड्स के लिए, फिर 30 सेकंड्स और थ्रॉटल 100% अप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको रिलीज कर रहा हूँ. और ये ऑलमोस्ट हमारी बैटरी फुल की तरफ जा चुकी है. अब जब हमारी एक दफ़ा बैटरी कंप्लीट 100% चार्ज हो जाएगी तो हमने क्या करना है गाड़ी को, हमने गाड़ी का शिफ्टर पोजीशन जो है दिखाया था, शिफ्टर पोजीशन को हमने रिवर्स पे लेके आना है. गाड़ी का हमने एसी ऑन करना है, गाड़ी की हमने हेडलाइट्स ऑन करनी है, नॉर्मल हेडलाइट्स ऑन करनी है, और उसके बाद हमने इसका लीड टाइम चेक करना है कि गाड़ी कितने टाइम में डिस्चार्ज कर रही है बैटरी को 100% लोड के ऊपर. अब आप ये दिखाएं, ये इस वक्त बैटरी 100% है और हमारा इस वक्त जो टाइम है 4:15 आ रहे हैं. तो आप 15 को काउंटर रख लें अपने पास कि 15th ऑफ द मिनट हमने शुरू किया इसका काउंटर, तो इट्स मीन 16 हो गया, तो 1 मिनट हमारा गुजर. तो गाइज इस तरह है कि जब ये हमारा 8 मिनट का अगर हमें इसे बैकअप दे दे तो इट मीन्स गाड़ी की जो बैटरी है इट्स मोर देन 50% ऑफ द लाइफ रिमेनिंग. और अगर ये हमें 6 मिनट या बिलो 6 मिनट का बैकअप देती है तो इट मीन्स कि इस गाड़ी की जो लाइफ है बैटरी की वो आपकी इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यू नीड टू रिप्लेस द बैटरी पैक सून. और कुछ टाइम के बाद फिर लोगों के ये होता है कि लाइट आ जाती है कि बैटरी पैक आप रिप्लेस कराएं. और हाइब्रिड बैटरी चेक करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मैन्युअली विदाउट एनी गैजेट विदाउट एनी डायग्नोसिस टूल. गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं हम ऐसा ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट बनाते रहें तो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस. हाउ यू विल सपोर्ट अस, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जेपेक बॉयज. पीस.